नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। और दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं डेसिमल एवं फ्रैक्शन। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है। और जितने भी जवाहर नवोदय विद्यालय में अभी तक दशमलव एवं फ्रैक्शन का जितने भी क्वेश्चन आया है वो प्रीवियस ईयर इसमें रखे हुए हैं। और देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है पहला क्वेश्चन, 12 से 1 बटा 16 का दशमलव समतुल्य क्या होगा। देखिए, ऐसा प्रश्न हमेशा एग्जाम में आता है और इस बार भी आने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है। तो देखिए, 12 से 1 बटा 16 का दशमलव फ्रैक्शन में हल करना है। तो पहले 12 सही को पहले एक लिख लेंगे, 12 को इकट्ठा लिख लेंगे, ठीक। और 1 बटा 16 को 1 बटा 16 में 16 का एक बटा 16 का भाग कर देंगे, ठीक। 16 में 1 का भाग कर देंगे, ठीक। अगर 16 में 1 का भाग करेंगे तो भाग नहीं जाएगा, तो दशमलव यहाँ पर बढ़ाएंगे तो यहाँ पर एक जीरो बढ़ जाएगा। फिर भाग नहीं जा रहा तो फिर एक यहाँ पर जीरो बढ़ाएंगे तो एक यहाँ जीरो बढ़ जाएगा। अब कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब 16 में 100 का भाग करना है, ठीक। तो 16 छके 96, ठीक। तो 100 में 96 माइनस करेंगे तो कितना होगा, 4, ठीक। फिर 16 में 4 का भाग नहीं जाएगा तो फिर यहाँ पर एक जीरो बढ़ा देंगे, ठीक। तो 16 दुना कितना होगा, 32, ठीक। तो 40 में से 32 कम करेंगे तो कितना होगा, 8। देखिए, 16 में 8 का भाग नहीं जाएगा, फिर एक बार जीरो बढ़ाएंगे, ठीक। अब कितना होगा, 16 पाँचे 80। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 0.0625। देखिए कहाँ पर ऑप्शन दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इस तरह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन दिया है कि एक मैच में कुल आधा घंटा चलता है और मैच के समय का 1/10 भाग टाइम आउट के लिए लिया जाता है, तो यह टाइम आउट कितने मिनट का होता है, ठीक है। एक मैच है और एक मैच कितना चलता है, आधे घंटा चलता है। यदि आधा घंटा कहे तो इसके मतलब कि 30 मिनट मैच चला, उसका 1/10 कितना समय टाइम आउट करने में लगा। तो ये पूछ रहा है कि टाइम आउट कितने मिनट चला, ठीक। तो एक 30 मिनट यानी कि आधा घंटा का मतलब 30 मिनट और 1/10, इसका 30 का 1/10 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, 140.75 गुणते 0.01 किसके बराबर है, ठीक है ना। तो इसको हल करने के लिए देखिए कुछ नहीं करना है, 140.75 गुणते 0.01, ठीक। तो इसको गुणा करना है। तो देखिए, यहाँ पर दशमलव के कितने बार अंक है, 1 और 2। यहाँ पर कितना है, 1 और 2, यानी कि हमारा जो दशमलव होगा 4 अंक पर होगा, 2 को इधर और 2 इधर, कितना होगा, 4। तो 140.75, तो देखिए 4 अंक पर दशमलव होगा, 1, 2, 3, 4। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1.4075, ठीक, ऑप्शन नंबर, देखिए ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। दोस्तों चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ये एक डिब्बे में 500 अंडे हैं, एक डिब्बे में 500 अंडे हैं और 3/25 अंडे टूट जाते हैं, तो बचे हुए अंडे और 4/5 अंडे बेच दिए गए, तो बचे हुए अंडे की संख्या क्या होगा। देखिए दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि 500 अंडे हैं एक डिब्बे में, और 500 अंडे हैं और इसका 3/25 क्या होता है, अंडा टूट जाता है। तो हम देखेंगे कि कितने अंडा टूट गया। तब 50 दुना कितना होगा, 25 दुना कितना होगा, 50, ठीक। यानी कि 20 × 3 = 60, यानी कि 500 अंडे में से 60 अंडे तो टूट गए। तो अब कितना बचे शेष, 500 में से 60 घटा देंगे तो कितना होगा, 440 अंडे अभी सेफ बचे हुए हैं। और फिर कह रहा है कि बचे हुए 4/5 अंडे बेच दिए गए, माने इतना 440 अंडे बचे हुए हैं, इसमें 4/5 क्या होगा, बेच दिए गए। तो इसको कटा के देखिए कितने बेच दिए गए, 5 × 8 = 40, फिर 4 × 5 = 40, ठीक। 8 × 4 = 32 हासिल, 3 × 8 = 32 और 3 = 33, ठीक। यानी कि 440 अंडे में से 332 अंडे बेच दिए गए, ठीक। तो कह रहा है कि बचे हुए अंडों की संख्या क्या होगा।
तो इसमें से हम माइनस कर देंगे 333 बेच दिया गया, 440 अंडे में से 332 अंडे बेच दिया गया, तो अब कितना बचा यहाँ पर 10 में से दो जाएगा तो कितना होगा 8, अभी कितना होगा 8। दोस्तों लग रहा है कि क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेशन थोड़ा सा गलती हो गया है, सॉरी दोस्तों, इसको गुणा करने में दिक्कत हो गया, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, 5 × 8 = 40, फिर 8 × 40, ठीक है, तो 88 × 4 8 × 32 हासिल 3, 8 × 32 और 32 × 3 कितना होगा 35, यानी कि 352 अंडे बेच दिए गए, यानी कि 440 अंडे में से 352 अंडे बेच दिए गए, तब कितना शेष बचा, तो हम माइनस कर देंगे 440 में से 352। ठीक, अब ये कितना हो जाएगा 10 में से दो जाएगा तो कितना होगा 8, यहाँ पर कितना बचा 3, और ये कितना 13, 13 में से 5 जाएगा तो कितना होगा 8, यानी कि कितने शेष अंडे बचे हुए हैं 88, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए इसमें कह रहा है कि एक मछली टैंक को पूरा भरने पर 45 लीटर पानी आता है। ठीक, एक मछली टैंक को पूरा भरने में 45 लीटर पानी आता है और इसका 4/9 भाग भरा है। यदि टैंक 2/3 भाग पानी निकाल दिया जाए तो टैंक को पूरा भरने के लिए उसमें कितना और पानी डालना होगा। देखिए दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा ही जवाहर नवोदय विद्यालय में क्वेश्चन आएगा। ठीक है ना, तो देखिए इसको अभी सॉल्व करते हैं। ये कह रहा है कि एक मछली टैंक को पूरा भरने में 45 लीटर पानी आता है, यानी कितना आता है इसमें पानी, इसका क्षमता कितना है 45 लीटर। अब कह रहा है कि इसका 4/9 भाग भरा है, यानी कितना भाग भरा है 4/9। ठीक, 9 × 9 = 45, यानी कि 5 × 20, यानी कि 45 लीटर क्षमता है लेकिन 20 लीटर पानी भर दिया गया। उसके बाद कह रहा है कि यदि टैंक का 2/5 भाग पानी निकाल दिया जाता है, यानी कि भरा कितना है 20 लीटर, अब कह रहा है कि 2/5 भाग पानी निकाल दिया जाता है, यानी कि 20 का 2/5 हम माइनस कर देंगे। ठीक, 5 × 20 यानी कि 4 × 8, ठीक है ना, 20 लीटर पानी भरा और 8 लीटर पानी निकाल दिया, तो 20 में से 8 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा 12, यानी कि अभी तक कुल 12 लीटर पानी उस टैंक में भरा गया है, लेकिन इस टैंक का क्षमता कितना है 45 लीटर, इस टैंक का क्षमता कितना है 45 लीटर, तो बताइए कि 45 लीटर एक टैंक में पानी भरा जा रहा है और उसमें 12 लीटर पानी डाला गया है, तो बताइए कितना और पानी भरना पड़ेगा उसमें, तो यानी कि 45 में से 12 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 33, तो अभी उस टैंक में भरने के लिए कितने पानी की आवश्यकता होगा, तो 33 लीटर पानी की आवश्यकता होगा, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आ रहा है ना दोस्तों, तो चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। देखिए 48.480 को 8 से भाग देने पर भागफल क्या आएगा। ठीक है ना, तो देखिए 48.8480 8 से भाग करना है। ठीक है ना, तो सिंपल है, बहुत सिंपल है, 8 से हम भाग कर देंगे, 8×48.5, देखिए उसके बाद ये कितना होगा 8×48, तो एक जीरो बढ़ा देंगे, उसके बाद कितना होगा 8×48। ठीक, तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 6.060, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बहुत ही छोटा प्रश्न था, आप लोग भी कर सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्न में से कौन सा 4.2 के बराबर नहीं है। कह रहा है कि 4.2 के कौन बराबर नहीं है, देखिए ऑप्शन नंबर ए को हम पहले लेते हैं, 2 = 2/5। ठीक, तो 2 तो ऑलरेडी होगा। ठीक, उसके बाद 2 में 5 का भाग करेंगे तो 0.5 बढ़ाएंगे तो कितना होगा 5/20, यानी कि 0.4, यानी कि 4.2 के बराबर है, ऑप्शन नंबर ए 4.2 के बराबर ये आंसर नहीं होगा। इसको देखेंगे, देखिए अब इस पहले ऑप्शन नंबर सी को देखते हैं, तब 12/5 अगर इसको हम भाग करेंगे तब 5 × 10 फिर 2 बचेगा,
फिर दशमलव बढ़ाएंगे, फिर जीरो बढ़ जाएगा, था 5 चौके 20, यानी कि 4.2 ऑप्शन नंबर ये भी हो रहा है। इससे भी भाग करेंगे तो देखिए ऑप्शन नंबर डी को हम लेते हैं, तो 2 सही 4/10, ठीक। तो 2 में 2 सही 4/10 के भाग करेंगे तो 2.4, ये भी 2.4 के बराबर है। तो देखिए कौन बराबर, इसमें पूछ रहा है कि कौन बराबर नहीं है, ठीक है, इसमें पूछ रहा है कि कौन बराबर नहीं है। तो ए सी और डी तो 4.2 के बराबर है, तो कौन बराबर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी, ये लिखा है 22.5% में लिखा है, तो देखिए यही बराबर नहीं है, ठीक है ना। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अब ये कह रहा है कि बांस का एक बांस का 3/10 भाग कीचड़ में और 3/5 भाग पानी में तथा शेष 5 लीटर पानी सतह के ऊपर हो तो बांस की लंबाई क्या होगी। देखिए दोस्तों यह कह रहा है कि 3/10 भाग कीचड़ में है और 3/5 भाग पानी में है, यानी कि 3/5 भाग पानी में है, तो शेष 5 मीटर पानी के सतह के ऊपर है। तो पहले हम इसको जोड़ लेंगे, कितना होगा 5, 10 और 5 का लघुत्तम कितना होगा 10, इसे भाग करेंगे तो कितना होगा 3 और 5 दूना 10 2 3 6, यानी कि 6 3 9, यानी कि 10/9 तो पानी में और कीचड़ में, 10/9 भाग पानी और कीचड़ दोनों में है, तो शेष कितना होगा 1/10, 1/10 सतह के ऊपर होगा, और इसका मान दिया है कितना हम लोग के अनुसार 1/10, लेकिन उसके अनुसार कितना है 5। तो पूरा हम टोटल कह रहे हैं कि बांस की कुल लंबाई क्या होगा, तो हम 5 × 10 कर देंगे तो कितना होगा, टोटल बांस की लंबाई हो जाएगा 50, ठीक है ना, 50 मीटर टोटल बांस की लंबाई होगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए इसमें कह रहा है कि 5.50, 0.05, 0.55, 0.005, 5.005 को आरोही क्रम में लिखिए। देखिए होता है एक आरोही क्रम, ठीक है, आरोही क्रम, एक होता है अवरोही क्रम, ठीक, आरोही क्रम और अवरोही क्रम। आरोही क्रम मतलब होता है कि पहले छोटा से स्टार्ट करेंगे और बढ़ते बढ़ते चला जाएगा, जैसे मान लीजिए 1, 2, 3, 4 ऐसे ऐसे बढ़ता चला जाएगा, और अवरोही क्रम मतलब होता है कि बड़े से छोटे की ओर आना। मान लीजिए यहाँ पर 5 है, उसके बाद 4, उसके बाद 3, उसके बाद 2, इसी तरह से चलता चला जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें ये कह रहा है कि कौन सा आरोही क्रम में लिखिए, यानी कि सबसे पहले छोटा लिखना है, उसके बाद उससे थोड़ा सा बड़ा, उसके बाद उससे थोड़ा सा बड़ा, उससे बड़ा, थोड़ा सा उससे बड़ा, ठीक है ना। तो देखिए इसमें 5.50, 0.05, 0.55, 0.005, 5.0005 को आरोही क्रम में, तो सबसे इसमें पहले छोटा देखना है, तो इसमें छोटा कौन बताइए, इसमें छोटा कौन होगा 0.005, ठीक, उसके बाद उससे थोड़ा सा बड़ा, अब इससे थोड़ा सा बड़ा कौन होगा बताइए, अब उससे थोड़ा सा बड़ा होगा 0.05, ठीक, उससे थोड़ा सा बड़ा कौन होगा 0.55, उससे थोड़ा सा बड़ा क्या होगा 5.005, और उससे थोड़ा सा बड़ा कौन सा होगा 5.50। तो देखिए किस ऑप्शन में दिया, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यदि महेश अपनी कक्षा के छात्रों के बीच 5 किग्रा मिठाई बांटता है तो प्रत्येक छात्र को 1/8 केजी मिठाई मिलता है, तो गणना कीजिए कि कुल कितने छात्र थे।
देखिए महेश क्या कर रहा है कि 5 केजी अपने छात्रों को मिठाई बांटता है, लेकिन प्रत्येक छात्र को 1/8 मिठाई मिलता है। तो कह रहा है कि कुल कितने छात्र होंगे, तो 1/8 कितने के बराबर होगा, 5 के। तो पूरा पूछ रहा है कि कुल कितने छात्र थे, तो पूरा मान निकाल देंगे तो 8 में 5 का गुणा कर देंगे, तो 5 × 8 कितना हो जाएगा, 8×5=40। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें यदि 2.25 × 0.5 इसको गुणा करेंगे तो कितना दिया है, इतना, ठीक। तो 255 × 0.5 का मान क्या होगा, ठीक है। तो 255 × 0.5, ठीक है, इसको हम हल करेंगे तो देखिए 0.5 हटाएंगे तो 1 0 हो जाएगा, 5 × 5, अब 5 × 10। तो 255 के 2 से भाग करेंगे तो कितना होगा, 2 × 2, 2 × 2 = 4, 2 × 7 = 14, 2 × 5 = 10, यानी कि 127.5। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब इसमें क्या कह रहा है कि 2/5 और 3/25 -1/4 का 0.5 क्या होगा। देखिए दोस्तों, ऐसा सवाल बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम में, और इस बार भी आएगा जौहर नवोदय विद्यालय में, ठीक है ना। जितने भी प्रीवियस ईयर अभी तक पूछा गया है क्वेश्चन, सारा इसमें हर टाइप के प्रश्न लिया गया है। देखिए 2/5, ये 2/5 +3/25 -1/4, ठीक है, इसको हमको सॉल्व करना है। देखिए तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं, 2/5 3/25 -1/4 का एलसीएम कितना होगा, यानी कि 100। 5, 25 और 4 का लघुत्तम कितना हो जाएगा, 100। तो इसमें हम 5 में 100 का भाग देंगे तो कितने बार जाएगा, 20 बार। तो 20 में 2 का गुणा कर देंगे तो कितना होगा, 20 × 40, ठीक, प्लस है तो प्लस लिखेंगे। 25 में अगर 100 का भाग करेंगे तो कितने बार जाएगा, 4 बार। 4 में 3 से गुणा करेंगे तो 4 × 3 कितना होगा, 12, ठीक। अगर देखिए 4 है और भाग देना कितना, 100 में, तो 25 × 4 का कितना होगा, 100, ठीक। देखिए 40 और 12 कितना होगा, 52, -25 / कितना हो जाएगा, 100, ठीक है ना। तो 52 में से 25 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 में से 5 जगह तो कितना होगा, 7, और यहाँ पर बचा कितना, 4, 4 में से 2 जगह तो कितना होगा, 2, यानी कि 47/100, ठीक। सॉरी कुछ गलत मिस्टेक हो रहा है, ठीक है दोस्तों, कैलकुलेशन थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, एक मिनट। ठीक, 2/5 + 3/25 -1/4 इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, 25 और 5 का लॉस है कितना होगा, 100, ठीक। और 5 में हम भाग करेंगे 100 का तो कितना बार जाएगा, 20 बार। तो 20 × 2 कितना होगा, 40 प्लस 25 × 4 = 100, ये कितने बार जाएगा, 4। 4 में 3 का गुणा करेंगे तो कितना होगा, 4 × 3 = 12, यानी 4 में अगर हम 100 का भाग करेंगे तो कितना बार जाएगा, 25 बार, यानी कि 40 और 12 जोड़ देंगे तो कितना होगा, 52। 52 - 25 / कितना हो जाएगा, 100। तो 52 में से अगर हम 25 माइनस करेंगे तो कितना होगा, माइनस करके देख लेंगे, 25 - 52 - 25, ठीक है, कितना होगा, 7 × 4 = 2, यानी कि 27 / कितना होगा, 100। और इसको हम हल करेंगे तो कितना होगा, 2 अंक पर 0.5 लग जाएगा, 0.27। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए इसमें दिया गया है इसको योग करना है, यानी कि जोड़ना है, 0.7, 0.7, 7.07, 7.007 तथा 77.0077 का योगफल ज्ञात करना है, यानी कि 7.7, उसके बाद देखिए अगर 0.7 है तो उसके ठीक नीचे ही सामने लिखेंगे, ठीक है। तो 7.07, 7.007, फिर 77.007, ठीक, इसको हम जोड़ देंगे, ठीक। कुछ नहीं तो यहाँ पर अपने मन से 0 बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। 7, 7, 7, 14, ये कितना होगा,
सात और जीरो जोड़ेंगे तो कितना होगा, सात और जीरो जोड़ेंगे तो कितना होगा, सात। अब यहाँ पर जोड़ना है सात 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 चौदह सात लेके सचों के अट्ठाईस, अट्ठाईस को आठ, हासिल कितना दो, सात और हासिल दो कितना होगा, सात दो नौ, यानी कि 98.7747। देखिए ऑप्शन नंबर किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ठीक है, इसको जोड़ना है योगफल 7.7 7.07 7.007 तथा 77.0077, ठीक, इसका योगफल ज्ञात करना है, यानी कि 7.7 और 7.07, उसके बाद 7.007, उसके बाद 77.0077, ठीक है, इसको हमको जोड़ना है। ये कितना होगा, 7 7 7 14, हासिल एक, 7 1 कितना होगा 8, ये कितना होगा 7, ठीक है। अब 7 7 7 7 यानी कि चार बार जोड़ना है, सचों के 28 को 8, हासिल दो, 7 8 2 कितना होगा 9, 98.7847। ऑप्शन नंबर किस में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है। देखिए 1/2 + 3/4 का दशमलव समतुल्य क्या होगा, 1/2 + 3/4 का दशमलव क्या होगा, यानी कि 2 और 4 का लौसा कितना होगा 4, यानी कि 2 से 4 का भाग करेंगे तो कितना बार जाएगा, 2 बार में जाएगा, 4 में 4 का भाग जाएगा, भाग करेंगे तो कितने बार जाएगा, 1 बार, 1 में 3 से गुणा करेंगे तो कितना होगा 3, यानी कि 3 2 5/2 कितना हो जाएगा 4, इसको हमको फ्रैक्शन में लिखना है दशमलव में, तो 4 × 4 यहाँ पर हासिल 1 होगा, तो 4 में 1 का भाग करेंगे तो दशमलव 2 5। देखिए कौन सा ऑप्शन ये दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। देखिए इसमें कह रहा है कि 61/2 इतना से भाग करना है, ठीक, तो इसको कुछ नहीं करना है। देखिए कितने अंक पर कौगो जीरो है नीचे, 1 2 3 4, ठीक, तो 4 अंक पर हमको दशमलव लगाना है, 61 1 2 3 1 2 3 4, ठीक है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन होगा, देखिए ये तो पहले नहीं होगा, ठीक, 1 1 2 3 4, ये 5 अंक पर है, 1 2 3 4 4 अंक पर है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चल नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 17, 20.008 + 20.008 + 20 क्या होगा, इसको जोड़ना है, ठीक, तो 20.08 + 20.008 फिर 20.0008 + 20, ठीक, कुछ नहीं दिए तो अपने मन से 0 लिख सकते हैं, ठीक, इसको जोड़ना है, 8 और 0 जोड़ेंगे तो कितना होगा 8, फिर 8 और 0 जोड़ेंगे तो कितना होगा 8, ये कितना होगा 8, ये 0 0 होगा, ठीक, ये 0, 2 2 4 2 6 2 8, यानी कितना हो जाएगा 80, यानी कि 80.0888888 होगा, तो ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलते हैं अगला क्वेश्चन, 1/250 का मान क्या होगा, ठीक, तो देखो इसको 25, देखिए 25 है ना, 250, 1/250 इसको हमको फ्रैक्शन में बदलना है, तो सिंपल तरीका है कि 250 में 1 का हम भाग करेंगे तो 1 बार में तो नहीं जाएगा, तो यहाँ पर दशमलव लगाएंगे तो ये कितना होगा 10, फिर भाग नहीं जाएगा तो फिर 1 बार दशमलव लगाएंगे, फिर 0 बढ़ाएंगे कितना होगा 100, फिर नहीं भाग जाएगा फिर, ठीक है, इसे थोड़ा सा एक देखिए इसे बहुत ही आसानी से हम कर सकते हैं, एक बटा 250 है, इसमें ऊपर नीचे अंश और हर में 4 से गुणा कर देंगे, ठीक है, 4 से गुणा कर देंगे तो कितना होगा 25 चौके कितना होगा 100,
एक और जीरो होगा कितना 1000, यानी कि 4/1000, 4/1000 के हम फ्रैक्शन में बदलेंगे तो कितना जीरो, 1, 2, 3, तो 1, 2, 3 ऑप्शन नंबर, देखिए कौन सा ऑप्शन में दिया, तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन। जब 330.004 को 13 से भाग दिया जाए तो भागफल क्या होगा, 303.004 को अगर हम 13 से भाग करेंगे तो देखिए कितना होगा, तो 13 से भाग करें तो 13 × 26 कितना हासिल बचे, 4 इसको दिया 13 × 39 यहाँ कितना बचा, 13 × 39 यहाँ कितना हासिल, देखिए अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, 303.004 इसको 13 से भाग करना है, इसको 13 से भाग करेंगे तो कितना होगा, 23.08 ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर देखिए ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर बी, संख्या 1 से 15 तक सम संख्या, इसकी कितनी संख्या भिन्न दर्शाई गई है, सम संख्या लेना है, 1 से लेकर 15 तक कितने सम संख्या होगा उसका हमको फ्रैक्शन में बताना है, 1 और 15 के बीच में कितना होगा, 1 सम संख्या लेना है तो कितना होगा, 2 फिर होगा 4 फिर कितना होगा 6 फिर होगा 8 फिर होगा 10 फिर होगा कितना 12 फिर कितना होगा 14 ये 15, लेकिन कह रहा है कि सम संख्या लेना है यानी कि 15 और 1 को हमको नहीं लेना है। अब कितना होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यानी कि इसके बीच में कितने संख्या आएगा, 7 यानी कि 7 होगा और कितना में, 15 में, यानी कि 7/15 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।